चपेट में आने से युवक की मौत ट्रैक के किनारे खड़ा होकर मोबाइल से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। युवक मयंक यादव गांव में ही रहकर सरकारी राशन की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। फिलहाल पुलिस दोस्तों के बयान के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वह वीडियो कॉल पर किससे बात कर रहा था अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शनिवार रात मालगाड़ी की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। युवक रेलवे ट्रैक के किनारे किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था, इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। उसके बाद दोस्त युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। मामला नेला चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार ग्राम बोरसरा निवासी मयंक यादव शनिवार रात करीब 10 बजे अपने दो दोस्तों अंकित यादव और अनिकेत तिवारी के साथ नहरिया बाबा मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक है। कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्तों ने रेलवे ट्रैक को पार कर निकल गए। उसके बाद मयंक भी किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक के किनारे पहुंच गया। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार मालगाड़ी की चपेट में आने से मयंक की मौत हो गई। फिलहाल आज के इस खबर में बस इतना ही। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और देखते